बॉर्डर लाइन है वहां पे पहुंच चुकी है रैली और सामने देख सकते हैं नरेंद्र सिंह बहुत और अन्य काफी लोग यहां पे रैली में रैली की शोभा बढ़ाते हुए मैं रामसूख शर्मा अज का जिहड़ा
अजकल विजय दिवस जरा मनाया जा रहा ये मैं देखिया कि नरेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके ने प्रोग्राम की कामयाब किया और मेरा ख्याल है कि जिस तरह कने आज का जरा टूर हा और काफ़ी लंबा टूर और काफ़ी लंबे टूर च मैं देखिया खास करिए मोटरसाइकिल के युवा जो बैठे थे इनकी भी बड़ी हिम्मत है कि इतने बड़े लंबे और गर्मी का समा तब गर्मी के देखते हुए भी इन्हें लोगों के साथ पूरा दिता और उन्हें शहीदें याद ले आज जरा प्रोग्राम रखिया और जो जो भी लोग बार्डर पर शहीद होए थे लोग जिंदिया शहीद स्मारक मनाए रहे उन्हें बकायदा उन्हें शहीदें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं कह लाकू कि ऐसे युवा साथी नरेंद्र जी का जेडे ऐसे साथी जिन्हें अज पार्टी के अंदर बहुत मजबूती दी है और इस किस्म के साथी युवा मैं अज का नहीं बड़ी देर का नहीं देखा था इन्हें 14 च भी दुई पार्टियां लोगों ऐसी षडयंत्र किया इन्हें हमला किया लेकिन ओदे भी ओदे मद्देनजर इन्हें परवाह नहीं मनी अज तक ये लगातार चला करते हैं पार्टी की मजबूती ले उन पिछले दिन जल्द पार्लीमेंट चुनाव हा वोट का जो वोट हा इन्हें बहुत मेहनत करी है उसका अपने कैंडिडेट की जिताने की कोशिश की और जताया। तो मैं ये गला कहूँ कि ऐसे साथी जेडे के पार्टी की जिंदा रखने वाले लोग वो समा आना कि पब्लिक ने एहसास करना है कि ऐसे साथी की जरूरत है और ऐसे साथी चाहिए जेडे के पार्टी की जिंदा रखने लिए और अज भी पार्टी अगर जिंदा है तो ऐसे में दिक्कत हाँ कि कोई गरीब का घर कोई साधी बवा हों उ जा रहे कोई भी मेल हो कोई अगे हो उ जाते हैं हर कोई समस्या अगर कोई बनी होती है और समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं दस दिना इन्हें ऐसे अपने नरेंद्र जी या नरेंद्र जी मोदी ने यह भी नरेंद्र पाउड़ लेकिन ना देखा यह भी उन्हें कोला कट नहीं जिस तरह ने चला करते हैं मेरा ख्याल है कोई दिन दूर नहीं जदों इन्हें लोगों की सेवा करनी है अज के पब्लिक की इन सेवा कर रहे हैं वह भी समान है जो इन्हें अपनी मज पावर चाड़िया भी लोगों की सेवा करनी है। मैं पूरा विश्वास रखना ऐसे साथी जेडे ने लोगों की जी है लोग सेवा करते हैं मैं तो परमात्मा को दुआ करना वह दिन दूर नहीं हो जल्दी आवे ताकि ये लोग जो पावर चाड़िया लोगों की सेवा कर अज जी खौड़ साढ़े इस कॉन्स्टिटुएंसी से रैली कढ़ी गई है ये खौड़ बाजार चा असें शुरू की ही कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब का और यह रैली जी अच्छे तुम जानते हो कि करगिल विजय दिवस है जोड़ा वो अज मनाया जा रहा है बड़े जोरों शोरों के अज करगिल के भी विजय दिवस मनाया जा रहा जितने साढ़े JSSP नरेंद्र भाई मोदी साढ़े प्रधानमंत्री देश के उत्थ आए दिन साढ़े सैनिकों जो हौसला बधाने वास्त है उसी दिखते हुए अज असें खौड़ भाजपा ने भी इतने एक बड़े अच्छे तरीके की एक रैली कढ़ी है जो नेतृत्व जोड़ा वो भाजपा के नेता जोड़े नरेंद्र सिंह भाऊ साढ़े कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और बड़े पुराने कार्मिक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में यह रैली निकली है उनके कन्नै साढ़े भाजपा का एक एक कार्मिक कार्यकर्ता मंडल टीम का और साढ़े जोड़े DDC सुरेश शर्मा और साढ़े सरपंच जोड़े परगवाल आए भाजपा कन्नै नेता जोड़े भाजपा के राम स्वरूप और भी जोड़े साढ़े मंडल पलां वाला खौड़ और अगे पिछे जोड़े जोड़े ग्रां टच होंगे इस खौड़ मंडल कन्नै वो कर्मठ कार्यकर्ता इतना आए थे और यह रैली जी बड़ी अच्छे तरीके चली है नरेंद्र सिंह भाऊ के नेतृत्व से रैली निकली और बड़े अच्छे तरीके रैली चली है और अस तारीफ करगे जरूर क्योंकि जेडे भी कार्यकर्ता इस रैली कन्नै चले ने नरेंद्र सिंह भाऊ और उन्हें अच्छा नेतृत्व किया और जिथे भी लोड़ पई है पार्टी की चाहे वह 2014 इलैक्शन हुई है उल्ले भी मैं भी उनके कन्नै हाँ क्योंकि जो इलैक्शन डॉक्टर किशन लाल हुंदी असें जीती है और पहले राती KH40 दूई पार्टी ने एक षडयंत्र रचिया भ्रमला करवाया और उस चुकी असें लेने की कोशिश की लेकिन अस बड़े शुक्रगुजार हाँ खौड़ ग्रां के लोगों के जितों अस रोने जितों अस पैदा हो ग्रां ने एक मुठ हुई है और राती बड़े अच्छे तरीके पूरा ग्रां किट्ठा हुई है और KH40 उन्हें लोगों ने नसाया हा और उस दौरान वो पर्चे भी लगे हुए भी पर्चे चले न और बड़े अच्छे तरीके काम करा करते हैं नरेंद्र सिंह और अस जिन्हें सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी और सारे लोग मिलिए जोड़े इस सरकार की आना करते हैं BJP की बार बार त्री बारी सरकार बनी आई है और ये सरकार जी बिल्कुल एक हर बंदे की सबका साथ सबका विकास लेकर चला करती है उसी देखते हुए सारे लोगों मिली जुलिए साथ दिता और अस बाकी लोगों के भी रिक्वेस्ट करने कि सारे लोग मिलिए इंदा साथ देन नरेंद्र सिंह का भी साथ देन ताकि जोड़ा एक अच्छे नेता उभरी अगे आन और देश की सेवा जी अगे कर ताकि साढ़ा देश जरा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। देखिए आज बड़ा दिन है
आज ये सिल्वर जुबली जो है कारगिल दिवस की है, कारगिल विजय दिवस आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। हमारे देश के जी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज वो भी राज सेक्टर में हैं, उन्होंने भी सभी महाभारती के वीर योद्धाओं को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो ये बहुत ही गौरव का दिन है हमारे लिए, गर्व का दिन है। और आज उसी संदर्भ में विधानसभा शंब के अंदर हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह भाऊजी की अध्यक्षता में, इनकी रहनुमाई में एक बहुत ही भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। इनके द्वारा मैसेज आके आप भी इसमें शामिल हुई। हमारे राम स्वरूप जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता, और इसके साथ साथ विधानसभा शम के अंदर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, म्यूनसिपल कमेटी खौड़ के सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे जितने भाई हैं उन्होंने सब ने, और बहुत ही भव्य ढंग से ये रैली का आयोजन हुआ, जो सुबह लगभग 11 बजे खौड़ से निकली थी बाजार से, और मेरे ख्याल विधानसभा छम्ब का लगभग 70% जो इलाका था उसको टच किया है। हर गांव में, हर पंचायत में ये रैली गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने इस रैली का स्वागत किया है। बहुत अच्छा मैसेज एक समाज के अंदर गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की रैलियों का आयोजन जो है वो समय समय पर होना चाहिए। मैं आज के शुभ अवसर पर नरेंद्र सिंह भाऊजी को शुभकामना देता हूँ कि जिन्होंने इस किस्म का प्रयास किया, एक अच्छी रैली का आयोजन किया। और इसके साथ साथ विधानसभा छम के अंदर रहने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के हमारे भाई हैं, मैं सभी को हृदय से शुभकामना देता हूं। और माँ भारती की सेवा के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। आज हमने उन सभी वीर योद्धाओं को भी नमन किया जिन्होंने 1965-1971 की जंग में अपना प्राणों की आहुति दी थी, माँ भारती की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान निछावर किया। ऐसे बार मेमोरियल हमारे जहाँ जहाँ पर भी थे वहाँ पर भी हम गए, उन सभी माँ भारती के वीर योद्धाओं को नमन किया। बहुत ही अच्छा हमें फील हुआ और बहुत ही प्राउड का ये हमारे लिए दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी आज देश के सभी वासियों को शुभकामना देता हूँ, और ख़ासकर नरेंद्र सिंह भाऊ जी को, राम स्वरूप जी को, उनकी सभी टीम को। सबसे पहले तो मैं शहीदों के नाम पर कुछ बोलूँगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज कारगिल विजय दिवस पर उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुतियां दी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और आज का जो दिवस था ये 25वां दिवस था, और पूरे शंब क्षेत्र खोड़ वासियों ने इस दिवस को एक ऐतिहासिक दिवस के तौर पर मनाया, और एक भव्य रैली जो है उसका जहां पे आज एक शुरुआत की गई, और उसका जितना भी रोड मैप था कम से कम 60 किलोमीटर पूरी रैली का आज का विजिट रहा। और हर चौक चौराहे पर जो हमारे अमर शहीदों के नाम पर जो स्मारकें बनी हुई थी उन पर जाकर सभी हमारी जितनी भी रैली ने वहां जाके उन शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। और निकलते निकलते वो हर एक, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्र हो, चाहे हमारा कंडी क्षेत्र हो, एक एक क्षेत्र को अटेंड कर ये हमारी पूरी रैली ने अंग दे बसंती चोला इस धुन में बड़े भव्य ढंग से मनाया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और हमारा जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ डोगरा, डोगरों को डोगरा सर्टिफिकेट दिया जाता था बहादुरी के लिए, जिन्होंने चाइना तक, गिलगित तक अपनी तलवार के ऊपर पूरा जो चाइना तक इन्होंने फतेह किया। आज मेरा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से भी ये आग्रह है, खासकर हमारे जम्मू के युवाओं के लिए एक भर्ती का जो इनको अवसर दिया जाए, इनके लिए एक भर्ती रखी जाए। और एल जी हमारे मनोज सैनी जी को मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज है कि आज के दिवस पर जैसे हमने ये सभी हमारे परिवार ने ये देखा है कि जगह जगह पे हमारे स्मारकें जो हैं, हमारे बहादुर जो सिपाही, हमारे बच्चे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, ये सारा
आज सभी ने देखा और ये चैनल के माध्यम से सभी को दिखाएंगे भी, और इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे नौकरी के अवसर जो है वो बनने चाहिए, और खासकर भर्ती का। और हमारे बच्चों को एक बहुत ही उत्सुकता है कि ये बच्चे हमारे फौज में जाएं और भारत माता की रक्षा के लिए। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को जहां पे संपन्न करता हूं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।